प्रतिभा, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगी, तो उसी क्रम में आज मैं इंग्लिश का पार्ट 4 लेकर आई हूं। जी हां दोस्तों, ये आपका पार्ट 4 होगा। और अगर हम टॉपिक वाइज बात करें, जिसमें हमने स्पॉटिंग द एरर का टॉपिक दूसरे पार्ट से शुरू करा था, तो उस हिसाब से टेक्निकली ये पार्ट 3 होगा। अब हम बात कर लेते हैं आज की एक्सरसाइज सी की। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एरियंस की बहुत ही बेहतर बुक के अनसॉल्व्ड जो है उससे मैं आपको कराने वाली हूँ, और इससे आपका जो स्पॉटिंग द एरर वाला प्रश्न है वो 100% आपकी इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप यकीन मानिए कि हम टॉपिक वाइज इतना अच्छे से आपको टेस्ट सीरीज करा देंगे कि अगर आपने सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली तो 60 से 70% तक के जो प्रश्न हैं वो आपके यहीं से सही हो जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप ने हमें कमेंट करके बताया तो हम स्पॉटिंग द एरर्स रिलेटेड और इंग्लिश के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड भी वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। चलिए आज बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आपको इसमें एरर स्पॉट करनी है कि ग्रामेटिकली क्या एरर है। पहला है, नन ऑफ द डिप्लोमैट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल आइदर टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम, नो एरर। आपको बताना है कि यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक है और वो आंसर आपका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, नो एरर। पहले वाले आंसर क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है। फिर है, रादर देन वी गो विद अमित ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम, नो एरर। आपको बताना है तो इसका सही आंसर देना है। इसका भी सही आंसर आपका नो एरर होगा, यहाँ पर भी कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ही ऑलवेज प्रैक्टिस जस्ट एंड केयर्स फॉर मॉरल प्रिंसिपल्स एंड केयर फॉर मॉरल प्रिंसिपल्स, नो एरर। इसका भी सही आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही आंसर होना चाहिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका सही आंसर ए होना चाहिए। क्यों इसका सही आंसर ए होना चाहिए? इसलिए क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस में जो CES लिखा हुआ है उसकी जगह SES होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो ये वाला प्रैक्टिस नहीं, ये वाला प्रैक्टिस होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द होल बुक ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, नो एरर। इसका सही आंसर देना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4th में आपका कौन सा आंसर सही होगा? बी आंसर इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर वर नहीं होगा, वॉज होगा। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप, तो ये एक तरीके से सिंगुलर ही बना जा रहा है। कैसे बना जा रहा है आप बता सकते हैं? तो वर की जगह आपका क्या यूज होगा यहाँ पर? वॉज इस्तेमाल होगा, वर इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। से ही फील हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे, नो एरर। इसका सही आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यह एज मच और नहीं होगा, एज मच एज होगा, एज मच एज होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। सच रूल डू नॉट अप्लाई टू यू एंड नो एंड आई, नो एरर। तो इसका भी सही आंसर आपको देखना है कि किसमें क्या ग्रामेटिकल एरर है, जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर होगा सी, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा यू एंड आई की जगह यू एंड मी होना चाहिए, यू एंड मी होना चाहिए। ओके, आई नहीं होगा, मी होगा। ऑल राइट, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। इट इज़ अ 9:45 बाय माई वॉच, नो एरर। तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो 7th में आपका आंसर डी होगा, कोई भी गलती इसमें नहीं है। ये भी पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि कोई गलती है या नहीं, तो इसको आप ध्यान से सेंटेंस को पढ़ा करिए। नेक्स्ट है, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स, नो एरर। तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा आई लाइक प्लेइंग गेम्स होना चाहिए। ठीक है, आई लाइक प्लेइंग गेम्स, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है प्ले, ओके, यहाँ पर जो ये टू प्ले लिखा है ये गलत है। आई लाइक मोर देन प्लेइंग गेम्स, आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग गेम। तो आपका ये टू प्ले की जगह क्या होना चाहिए? आपका प्लेइंग गेम्स होना चाहिए, आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग गेम्स, और इसीलिए इसका सही आंसर सी होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोयम इज एज फॉलोज, नो एरर। तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी आपका सही आंसर डी होगा, कोई भी गलती इसमें नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। द टीम वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस, नो एरर। तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ए,
क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ए होगा, क्योंकि टीम वर होगा, टीम वॉज नहीं होगा। टीम अपने आप में प्लूरल है, इसीलिए यहाँ वॉज ना लग के वर लगेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990, नो एरर। तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपका होगा बी। यहाँ पर आई पास्ड होगा, आई हैव पास्ड नहीं होगा, तो हैव आपको रिमूव कर देना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। द टीचर केप्ट एडवाइसिंग अस टू वर्क हार्ड। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ कर तब आंसर सुन सकते हैं। आगे बात करेंगे द टीचर की केप्ट एडवाइसिंग अस टू वर्क हार्ड एंड नो एरर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर देना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बी। और यहाँ पर आपको आफ्टर केप्ट क्या लिखना है, केप्ट ऑन एडवाइसिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केप्ट ऑन एडवाइसिंग अस होना चाहिए, केप्ट एडवाइसिंग अस नहीं, द टीचर केप्ट ऑन एडवाइसिंग अस होना चाहिए। और इसीलिए बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी में ग्रामेटिकल एरर है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एट अ वेरी यंग एज ही डाइड विद हार्ट डिजीज, नो एरर। तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर आपका बी होगा, क्योंकि यहाँ पर डाइड विद नहीं, डाइड ऑफ होगा। मैंने पिछला एक जो प्रीपोजिशन का वीडियो बनाया था फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि जब भी कोई किसी डिजीज से मरता है, किसी डिजीज से उसकी डेथ होती है, तो उसमें हम प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं, ना कि विद। और इसी वजह से यहाँ पर ऑफ होगा इन प्लेस ऑफ विद, और दैट्स वाई बी इसका करेक्ट आंसर होगा। द एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन टू नीड आईड ग्लासेज आर इंक्रीजिंग नाउ अ डेज। ठीक है, आर इंक्रीजिंग नाउ अ डेज कुछ नहीं है, बस आर इंक्रीजिंग, नो एरर। यहाँ पर आप देख पा रहे ए बी सी डी ई पॉइंट हैं, आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट आपका गलत है। तो 14 का आपका सही आंसर होगा डी। यहाँ पर आर इंक्रीजिंग की जगह इज इंक्रीजिंग होगा। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ही इज ट्राइंग टू अर्न मनी फॉर माई सेल्फ एंड हिम। तो यहाँ पर आपने बहुत आसानी से इसको पहचान लिया होगा कि सी इसका गलत होगा, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से एरर स्पॉट करनी, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर फॉर मी होगा, ना कि फॉर माई सेल्फ। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। वी इंडियन डोंट अंडरस्टैंड दैट ड्राइविंग व्हीकल्स रिक्वायर केयर एंड स्किल, नो एरर। आपको बताना है कि क्या गलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर गलती है डी, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायर नहीं होगा, यहाँ पर रिक्वायर्स होगा। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 है आपका, इंडियंस आर वेडेड इन द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन अ पीसफुल मैनर, नो एरर। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सही आंसर होगा बी। क्यों क्यों बी होगा, क्योंकि यहाँ पर इन ना होकर वेडेड टू द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन अ पीसफुल मैनर होगा, तो वेडेड टू होगा, इन नहीं होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज थिंकिंग ऑफ बिकमिंग द मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड, नो एरर। तो आपको इसका सही आंसर देना है। तो 18 का आपका सही आंसर होगा डी। 18 का आपका सही आंसर होगा डी। यहाँ पर मोस्ट सुप्रीम नहीं होगा, क्योंकि भाई सुप्रीम दिया है ऑलरेडी, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो मोस्ट भी सुपरलेटिव, दो दो सुपरलेटिव डिग्री क्यों लगेंगी। मोस्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं, आपने ऑलरेडी सुप्रीम बोल दिया है, मतलब सबसे ऊपर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डी का करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। ऑल्दो द ट्रक वॉज मूविंग वेरी फास्ट द ड्राइवर स्टॉप्ड इट इन अ स्किलफुली मैनर। अब यहाँ पर आप गलती तुरंत ही समझ गए होंगे, डी का करेक्ट आंसर होगा स्किलफुली नहीं होगा, इन अ स्किलफुल मैनर होगा, स्किलफुल होगा, नॉट ना कि स्किलफुली होगा। ऑल राइट, इस तरीके की ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, स्किलफुल होगा, ये स्किलफुली नहीं होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। ऑल्दो ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस बट ही कुड नॉट विन फेम, नो एरर। इसका सही आंसर देना है। तो 20 का आपका सही आंसर होगा सी। यहाँ पर आपको बट को रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बट को रिमूव करना है, ऑल्दो, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑल्दो लिख दिया, क्योंकि ऑल्दो का मतलब ही हालांकि होता है, हालांकि उसने ग्रेट सक्सेस अचीव कर ली है, वह फेम नहीं जीत पाएगा, तो इसके लिए आपको बट लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। आई प्रिटेंडेड एज इफ इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन बट रियली इट वॉज वेरी बोरिंग, नो एरर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर 21 का सही आंसर होगा बी। 21 का सही आंसर होगा बी। यहाँ पर
इफ आई वर इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि जब भी हम विश करते हैं तो मतलब एक तरीके से कोई एजम्पशन देते हैं कि अगर ऐसा होता तो आई वर लगता है, ठीक है. तो आई प्रिटेंडेड एज इफ आई वर, ओके. आपको ये बोलना है इफ आई वर इंटरेस्टेड, इफ इंटरेस्टेड नहीं, इफ आई वर इंटरेस्टेड, जैसे कि मैं इंटरेस्टेड थी, मतलब ऐसा लोग एज्यूम कर रहे थे, ठीक है. तो इसका बी का करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की. 22 है, आई डोंट यूजुअली लाइक स्टेइंग एट होटल, बट लास्ट समर वी स्पेंड अ फ्यू डेज एट अ वेरी नाइस होटल बाय सी, नो एरर. तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही क्वेश्चन आंसर होगा सी, बाय सी ना होकर बाय द सी होगा, आर्टिकल लगेगा यहाँ पर. आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की. आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डू नॉट वरी व्हेन आई एम लेट, नो एरर. तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा आपका, 23 का सही आंसर होगा आपका सी. क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पर आपको व्हेन की जगह क्या लगाना है, इफ आई एम लेट, इफ आई एम लेट. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24. द टीचर रिमार्क दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली, नो एरर. तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपका डी होगा, बिल्कुल सही है सारी चीज़ें. उसके बाद आखिरी का क्वेश्चन है आज, 25 क्वेश्चन की सीरीज हमने फिर से कंप्लीट कर ली. आज का आखिरी क्वेश्चन, द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM यस्टरडे बट इट वॉज एन आर लेट, नो एरर. तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा आपका ए, इस सपोज की जगह वॉज सपोज होगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो वॉज सपोज होगा. तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने फिर से ये बहुत बेहतर सीरीज़ का क्वेश्चन का आंसर दिया होगा और आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी. हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे. तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको डेली जो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, पीजीटी टीजीटी और टीचिंग से एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट होती हैं वो मिलती रहें. नमस्कार.